हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम लाइफ इजी लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी सीढ़ियों को बिल्कुल चेंज करने वाली हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्रीपर्स को यूज़ किया है। ये मेरे पास काफ़ी पुरानी क्रीपर्स रखी हुई थी, मैं इनको पहले भी ऐसे ही डेकोरेट कर चुकी हूँ अपनी सीढ़ियों को, तो मैंने ऊपर से लगाना शुरू करा था और अब मेरी क्रीपर्स बिल्कुल लग चुकी हैं। तो अब चलते हैं हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ। यहाँ पर मेरे पास कुछ पुराने फ्रेम्स रखे हुए हैं ब्लैक कलर के, इनको मुझे वाइट करना है क्योंकि मेरी वॉल का कलर ग्रीन है, तो यहाँ पर मुझे वाइट थोड़ा सा चाहिए ताकि मेरी ग्रीन कलर थोड़ा सा कम दिखे और वाइट थोड़ा सा ज़्यादा दिखे। जब मैं ब्रश के साथ वाइट पेंट कर रही थी तो उस पर लाइनिंग आ रही थी, तो इसलिए मैंने ये पफ यूज़ करा है जो कॉम्पैक्ट लगाने के काम आता है। ये वही वाला पफ है, इससे काफ़ी अच्छे से पेंट हो गया था। मैंने पहले एक्रिलिक पेंट का वाइट कलर करा, वो थोड़ा सा लाइट शेड मार रहा था। फिर उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर बर्जर का कलर यूज़ करा है, वो प्योर वाइट कलर दिख रहा है और यही कलर मुझे चाहिए था अपने फ्रेम पर। यहाँ पर जितने भी फ्रेम रखे हुए हैं उन सब पर डबल कोट हुआ है। पहले मैंने सिंगल कलर करा, फिर उसको ड्राई कर लिया, उसके बाद मैंने ऊपर से डबल कोट किया है सबके ऊपर, तो जाके इस पर फिनिशिंग आई है। देखिए सब पर वाइट पेंट हो चुका है। अब मैं इस पर लगाऊंगी पेंटिंग जो मैंने खुद ने बनाई थी, इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। और इस पे मैंने फेविस्टिक लगाई है और फिर मैंने पेस्ट करा है इसको। इस फ्रेम में से मैंने पुरानी सीनरी निकाल दी है और जो मैंने खुद ने बनाई थी पेंटिंग्स वो मैंने लगा दी हैं इसके ऊपर। और मैंने इसका साइज़ लेकर के ही चार्ट पेपर को कट किया था जब मैंने ये पेंटिंग बनाई थी, तो बिल्कुल मतलब आराम से पूरी आ गई, कोई मुझे दिक्कत नहीं हुई। अब मैंने रेलिंग के लिए मटकों को यूज़ करा है। ये मटके मेरे पास काफ़ी टाइम से वेस्ट पड़े हुए थे छत पर, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको यूज़ कर लिया जाए। तो इस पर भी मैंने वाइट कलर यूज़ करा है। फ्रेम को भी मैंने वाइट में ही रखा और मटकों को भी मैंने वाइट कलर में ही रखा, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। वाइट मटके, वाइट मतलब फ्रेम, दोनों देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। अगर मैं अलग अलग कलर यूज़ करती तो शायद इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सेम कलर था तो अच्छा लगा देखने में। अब मैं मटके की नेक पे रस्सी बांध रही हूँ, रस्सी का कलर वही नॉर्मल है ब्राउन कलर। इसको मैंने 3 से 4 बार घुमाया है ताकि देखने में अच्छा लगे, ऐसे उल्टा फुल्टा नहीं बांधा है, बिल्कुल सेटिंग से बांधा है तो देखने में अच्छा लग रहा है, प्रॉपर तरीके से बांधा है तो। और इसमें थोड़ी थोड़ी सी रस्सी मैंने बचा दी क्योंकि मुझे रेलिंग पे लगानी है। चार मटके हैं और चार ही फ्रेम हैं, तो जो फ्रेम मैंने लगाए हैं उसी की बिल्कुल सिधाई पर मैंने मटके यूज़ करे हैं ताकि देखने में उबड़ खबड़ नहीं लगे, सब चीज़ें देखने में अच्छी लगे। अब ये फ्लावर्स हैं जो मैंने मटकी में लगाने हैं, तो ये 2 बंच तो मैं लेकर के आई हूँ, बाकी जो 2 हैं वो मैंने घर से ही निकाल लिए। देखिए येलो वाला और मैजेंटा वाला, ये दोनों न्यू हैं, तो इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग के मटकों में यूज़ करा है और जो थोड़े पुराने हैं उनको मैंने ऊपर वाले मटकों में यूज़ करा है। जो ये वाइट वाला फ्लावर है ये हैंगिंग फ्लावर नहीं है, ये नॉर्मल जो फ्लावर्स लगते हैं पॉट के अंदर,
ये वो है, इसको मैंने इस तरीके से लगाया कि ये भी हैंगिंग फ्लावर ही लग रहा है। और जो ग्रीन वाला है ये मेरे पास एक ग्रास ट्री पड़ा हुआ था वेस्ट में, तो इसको भी मैंने सेलो टेप से सेटिंग कर दी थी, तो ये भी एक अच्छा हैंगिंग बन गया था। और ये एक फ्लावर वास है जो मैंने खुद ने DIY करा था, इसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगी। और ये रेड कलर के फ्लावर काफ़ी पुराने हैं लेकिन अच्छे लग रहे थे, घने घने हैं, तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। और ये एक मैंने हैंगिंग वॉल डेकोर पीस DIY किया था, इसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगी, और इसको भी मैंने यहाँ पर लगा दिया, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब लास्ट में कुछ लाइट्स हैं वो लगा दूंगी। अब देखिए हमारा फाइनल लुक। कैसी लग रही है आपको मेरी सीढ़ियाँ? बिल्कुल ही चेंज कर दी ना मैंने, मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है। आपको कैसी लग रही है आप बताइए। और देखिए नाइट व्यू कितना अच्छा आ रहा है ना, लाइटिंग ही लाइटिंग हो रखी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। सारी लाइटें बंद कर दी हैं मैंने। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से बनाई है, 2 दिन लग गए थे, 12 बजे तक मैंने 2 दिन काम करा है, उसके बाद ही मैं सोई हूँ क्योंकि दिवाली भी सिर पर आ गई थी। और फिर मैंने पूरा इसका काम कंप्लीट करा है, फिर मैंने दिवाली की तैयारी करी है बाकी की। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।